अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गुलनाज़ ज़ाहिद। आप देख रहे हैं अंडरग्राउंड न्यूज। अब रुख करते हैं अहम खबर की तरफ। डॉक्टर्स इन डिस्ट्रेस चैरिटी तंजीम की जानिब से पेशावराना खिदमात अंजाम देने वाले डॉक्टरों और नर्सों ने दौरान मुलाजमत काम की ज्यादती से खुदकुशी करने वालों की खिदमात को खराज अकीदत पेश करने के लिए रॉयल ओल्डम अस्पताल एजुकेशन सेंटर के अहाता में शजरकारी मुहिम का आगाज किया। मेयर काउंसलर डॉक्टर शाहजहां और ओल्डम केयर ऑर्गेनाइजेशन के चीफ ऑफिसर डॉक्टर एसर गैरिक की खसूसी शिरकत। मेयर डॉक्टर शाहजहां ने कहा कि मेरे लिए बाइस फख्र एहसास है कि मैं इन डॉक्टरों और नर्सों को खराज अकीदत पेश करने के लिए मद्द हूँ जिन्होंने काम की ज्यादती से खुदकुशी की। हम उनकी पेशावराना खिदमात को खराज अकीदत पेश करते हैं। डिस्ट्रेस में उनका सपोर्ट करते हैं, उसके लिए हम यहाँ ओल्डम हॉस्पिटल में ट्री प्लांट कर रहे हैं। यूके में हर तीन हफ्ते के बाद एक डॉक्टर अपनी जान लेता है और हर हफ्ते अनफॉर्चुनेटली एक नर्स अपनी जान लेती है। ये बहुत डिस्ट्रेसिंग फिगर्स हैं और इसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रही है, अवेयरनेस इंक्रीज कर रही है कि जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं डॉक्टर्स के। द ट्री टुडे इज समथिंग दैट विल गो ऑन एंड एंड्योर एंड वी जस्ट वांटेड दैट सिंबल ऑफ होप दैट हैज इट्स फ्रेलिटी एज द ट्री लूजेस इट्स लीव्स विंटर टू कमेमोरेट। And yes, about hope, and yes, about being there. Something someone said today was, don't just say, how are you? Don't just reach out, but say, how can I help? A special day where we've planted a tree to commemorate Doctors in Distress. It's a really important initiative that's looking at recognising the stress that all healthcare professionals are under, and as a result, sometimes cause them to either take their lives or go through a process where they might consider taking their lives, and we know that affects. जिन लोगों ने डॉक्टर्स ने नर्सेस ने जिन्होंने खुद की जान ले ली, खुदकुशी कर ली काम करते वक्त, उनकी उनको याद करना और ये बोलना उनको उनके फैमिलीज को कि ऐसा नहीं होने देंगे और जाने नहीं जाएंगी हमारी वजह से, कि हम उसके लिए पूरी तरह से काम करेंगे मिलके, तो ये दिन बहुत ज़रूरी है। और मैं धन्यवाद देती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ रॉयल ओल्डहम हॉस्पिटल को, लोकल गवर्नमेंट और मेयर को और सब स्टाफ को कि ये सब लोग इधर आए और इसमें हिस्सा लिया। मेडिकल चीफ ऑफिसर एस्टर गैरिक ने कहा कि हमारे लिए आज खास दिन है, हम महकमा सेहत में पेशावराना खिदमात अंजाम देने वालों को काम के दौरान काम की ज्यादती से पेश आने वाले ज़हनी दबाव को खराज तहसीन पेश करते हैं। हम उनकी खिदमात को कदर की निगाह से देखते हैं, इसीलिए आज बोरे लगाकर उनसे बाहमी हम आहंगी का मुजाहरा किया। चैपलेंसी सर्विस के मैनेजर एलिन ने कहा कि जब आप मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहे हों और बेयारो मददगार हों तो ऐसे में उम्मीद ही रोशनी की किरण होती है। पौधे लगाने का मकसद जिस तरह दरख्तों से मौसम सरमा में पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन सरमा में वही दरख्त सरसब्ज और शादाब होते हैं, ऐसे ही इंसान पर जब मुश्किल वक्त आता है उसके बाद बहार की उम्मीद रखनी चाहिए। डॉक्टर अनंता देवी ने भी डॉक्टरों और नर्सों को खराज अकीदत पेश करने के लिए पौधे लगाने की मुहिम को खुशायंद करार दिया। डॉक्टर्स इन डिस्ट्रेस चैरिटी की चीफ एग्जीक्यूटिव एन पॉल ने कहा कि अपनी देखभाल करें, यकीन सूरज निकल कर अपनी रोशनी फैलाएगा। डॉक्टर्स इन डिस्ट्रेस चैरिटी तंजीम ने पेशावराना खिदमात अंजाम देते हुए ज़हनी दबाव का शिकार होकर अपनी जान से हाथ धोने वालों की खिदमात को खराज अकीदत पेश करने के लिए पौधे लगाकर उनकी पेशावराना खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। ओल्डम बरतानिया से हमीरपुर का रहे थे आरिफ चौधरी। देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज।